उपनिवेशवाद और देहात। सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। उपनिवेशवाद और देहात एक बड़े अलग ढंग का विषय है, इतिहास से जुड़ा हुआ, क्योंकि जहां उपनिवेशवाद एक आधुनिक विश्व की बात है, वहीं देहात एक प्राचीन दुनिया की बात कर होती है। ये वो काल है जब एक तरीके से भारत, क्योंकि हम ये अध्याय जो है ये विशेष रूप से भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे, तो भारत एक पुरानी पद्धति से, पुरानी व्यवस्था से, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक इस व्यवस्था से धीरे धीरे बदल कर वह कैसे औपनिवेशिक व्यवस्था में आता है, और विशेष रूप से आर्थिक संदर्भ में। तो हमारा यह विषय एक बहुत गहरा विषय है, उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों के अध्ययन से। हमको ये ध्यान देना होगा कि जो भी हम इस अध्याय में जानेंगे उसका सारा जो स्रोत है, जिसकी जानकारी हमको सब जहाँ से मिलती है, वे सब सरकारी अध्यलेख हैं, सरकारी अभिलेख हैं, सरकारी दस्तावेज हैं। तो इस प्रकार सरकारी दस्तावेजों से लिए गए जानकारी के आधार पर हम अपने देहाती और समाज और उसके आर्थिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे। भारत का उपनिवेश बनना, आखिर उपनिवेश क्या है? पहले तो हम थोड़ा सा ये समझ लें, उपनिवेश अर्थात अंग्रेजी हम उसे कहते हैं कॉलोनी। किसी एक बड़े देश के मातहत एक गुलाम देश के रूप में रहना, किस उद्देश्य से? कि जो बड़ा देश है, जो संपन्न देश है, जिसने हमको गुलाम किया है, वह उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो किसी एक खास उद्देश्य से किसी अन्य देश पर कब्जा करना, यह उपनिवेशवाद है। और ये 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद बहुत विकराल रूप में सामने आया था। उपनिवेशवाद जब विकराल होता गया तो भारत कैसे अछूता रहता, और ख़ासकर भारत जो उस काल में बड़े आर्थिक रूप से बहुत संपन्न था, आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध था और एक विशाल देश था। तो निश्चित रूप से दुनिया में ऐसे देश जो उपनिवेश बना रहे थे, उनकी नज़र तो भारत में थी ही। तो उपनिवेशवाद का बनना और उसको बनाने के लिए, भारत को उपनिवेश बनाने के लिए जो इंग्लैंड से जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, भारत आई और भारत पर उसने कब्जा किया, ये एक विश्व की बहुत असाधारण घटना है। क्योंकि यद्यपि कहने को तो इंग्लैंड ने भारत पर कब्जा किया और उसे एक अपना उपनिवेश बनाया, और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भारत से उसने संसाधनों का निचोड़ किया, लेकिन इसका असर जो है ये पूरी दुनिया में पड़ा। अंग्रेजों के भारत आने से उन्होंने मात्र संसाधनों का दोहन ही नहीं किया, बल्कि भारत का बहुत तरीकों से दोहन किया, और उसका असर पूरी विश्व की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ा। तो इसलिए ये हमें ख्याल रखना होगा कि एक बहुत असाधारण घटना थी और विश्व इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। इसने मात्र भारत के इतिहास को ही प्रभावित नहीं किया, मात्र भारत की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित नहीं किया, बल्कि विश्व की आर्थिक व्यवस्था, विश्व की राजनीतिक व्यवस्था भी इससे काफ़ी प्रभावित हुई। भारत में अंग्रेजों के आने की यदि हम बात करें तो जैसा हमको मालूम है कि 1605 के आसपास अंग्रेज भारत आए पहली बार। उस समय मुग़ल भारत में शासन कर रहे थे, मुग़ल साम्राज्य था, और उन्होंने कैसे धीरे धीरे कुछ क्षेत्रों में
अपने व्यापारिक केंद्र बनाए और धीरे 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 उसका विस्तार करते हुए कलकत्ता, बंगाल, त्रिचुरापल्ली, नीचे मद्रास प्रेसिडेंसी और इन क्षेत्रों में अपना धीरे धीरे उन्होंने व्यापार ही नहीं बढ़ाया बल्कि धीरे धीरे एक तरीके से कब्जा बनाया और फोर्ट के रूप में एक अपनी कॉलोनी को मजबूत करते गए। भारत में आखिर ब्रिटिश राज स्थापित कैसे हुआ, थोड़ा इसको समझने की जरूरत है और इसके बारे में थोड़ा हम कुछ विशिष्ट जानकारियां साथ में लेके चलें। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि अंग्रेज ब्रिटेन इतने शक्तिशाली कैसे बने कि उन्होंने पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में अपना राज स्थापित कर लिया। आखिर ऐसे क्या थे, क्या मादा था उनका कि सारी दुनिया उनकी मुट्ठी में आ गई थी। थोड़ा इतिहास की ओर, अंग्रेजी इतिहास की ओर नजर डालें तो 11वीं सदी से हम इसके आधुनिक ब्रिटेन का काल मान सकते हैं, जहां ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी विलियम ने फ्रांस से आक्रमण करके नया राज स्थापित किया। तो 11वीं शताब्दी आधुनिक ब्रिटेन की शुरुआत। दूसरी बात, 11वीं से 14वीं सदी में भौगोलिक स्थिति कुछ इस तरीके की थी कि वो कृषि के अनुकूल रही, लेकिन 14वीं सदी के बाद से अत्यधिक ठंड पड़ी, कृषि कुछ असंभव तरीके का हो गया और इसका परिणाम ये हुआ कि ये लोग इंग्लैंड के बाहर कुछ करने हेतु विवश हो गए और व्यापार ही एक जरिया था जिसके माध्यम से उन्होंने दुनिया की ओर जाना शुरू किया। तीसरी बात, विश्व व्यापार पर स्पेन, पुर्तगाल, इन लोगों का उस समय एक छत्र साम्राज्य था, एक तरफ शासन था, लेकिन भारत में भी पुर्तगाली राज्य शामिल था। इसे जीतने के लिए अंग्रेजों को या किसी भी साम्राज्य को पूंजी की जरूरत थी और अमेरिका, जहां स्पेन का आधिपत्य था, उसे छोड़कर ब्रिटिश कंपनी भारत की ओर मुड़ गई क्योंकि अमेरिका जैसी जगह वह अपना ज्यादा धन खर्च नहीं कर सकती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी स्थापना एक तरीके से 1599 में कर दी गई थी और अब उसने भारत की ओर अपना मुंह मोड़ा। अगला बिंदु, पुर्तगाली व्यापारी जो भारत में थे उस समय वो अत्यंत घमंडी थे, एक तरीके से असहिष्णु भी थे और मुगल शासन, दक्षिण के विद्रोह, इन चीजों से न केवल त्रस्त ही थे बल्कि एक तरीके से उनका अपना कोष भी खाली होने लगा था, अपना स्वयं का मुद्रा भंडार भी खाली होने लगा था और कंपनी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए पुर्तगालियों को हराया और जहांगीर से, जो तत्कालीन मुगल बादशाह था, उससे व्यापारिक अनुमति प्राप्त की। यहां से शुरू होता है अंग्रेजों का भारत में विस्तार और भारत का एक तरीके से अंग्रेजीकरण। यदि हम मैप में देखें, ये पांचवा बिंदु है, थोड़ा नक्शे में देखिए, धीरे धीरे 1600 के प्रारंभ से 1680 के बीच, ये जो करीब 75 वर्ष का काल है, कंपनी ने पूरे भारत के तटीय क्षेत्रों से एक तरीके से घेराबंदी कर ली और वे वहां अपनी सेना रखते थे जो छोटी रहती थी लेकिन सेना तो थी। ये सेना की उपस्थिति क्यों थी, ताकि जरूरत पड़ने पर किसी अन्य के साथ यदि झगड़ा हो, जिसमें मुगलों के साथ बाद में हुआ, फ्रांसीसी कंपनी के साथ बाद में झगड़ा हुआ, तो उस पर धावा बोल सकें, हमला कर सकें और जरूरत पड़ने पर कब्जा भी कर सकें। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा जो 75 वर्ष के काल में, प्रारंभिक काल में जो घेराबंदी की जा रही थी समुद्री सीमाओं के आसपास से, उसे न समझ पाना ही हम कह सकते हैं कि शायद मुगल भारत की बहुत बड़ी भूल थी,
क्योंकि इससे अंग्रेजों को एक तरीके से सुरक्षा भी मिल गई थी, जरूरत पड़ने पर वो समुद्री रास्ते भाग भी सकते थे, और यही भारत के लिए बहुत महंगा पड़ा, मुगलों के लिए बहुत महंगा पड़ा। मुगलों को चुनौती 1600-1680 के बीच कई बार चुनौतियां दी गईं, परंतु मुगल साम्राज्य ने कंपनी को 1686 में एक बड़ा सबक सिखाया। लेकिन फिर भी अंग्रेज समय आने पर इससे उबर गए, लेकिन ये 1686 के सबक के बाद अंग्रेजों ने लगभग 1757 तक, ये वो वर्ष है जब प्लासी का युद्ध हुआ था, अंग्रेजों ने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे मुगल अत्यधिक नाराज हो जाएं, पर यह तय हो गया कि अंग्रेज इस 1686 के सबक को भूल नहीं पाए। औरंगजेब ने न सिर्फ कंपनी के कई ठिकानों को ध्वस्त किया इस दौरान, बल्कि 3 लाख का जुर्माना और अन्य तरीके की कार्रवाई भी की। उस वक्त 3 लाख का जुर्माना यदि देखा जाए तो आज करीब 3 अरब के बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो सबक दिया गया, परिणाम क्या हुआ कि अगले 75 साल करीब अंग्रेज लोग एक तरीके से शांत ही रहे, या मौके को ताड़ते रहे, उचित समय की प्रतीक्षा करते रहे। और औरंगजेब की जब मौत हुई 1707 में, तो कंपनी को विश्वास हो गया कि अब भारत पर आधिपत्य संभव है। कारण कि अब केंद्र कमजोर हो गया, दिल्ली पर औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य में एक के बाद एक निर्बल शासक आते रहे, चाहे वो फर्रुख सियार हो या जहांदार शाह हो, मोहम्मद शाह रंगीला आदि आदि। इसके साथ ही हमें नहीं भूलना चाहिए कि इसी समय 1739 के आसपास नादिर शाह का भारत पर हमला हुआ। दूसरा, 1717 में यदि आप नक्शे को देखें तो मुगल राज में 3 स्वतंत्र राज्य हो गए, क्योंकि केंद्र की सत्ता कमजोर हो गई, तो क्षेत्रीय सत्ता ने अपने को स्वतंत्र करना शुरू किया। उसमें अवध एक था जहां सादत अली खान, दूसरा राज्य बंगाल मुर्शिद कुली खान, और तीसरा था दक्षिण भारत की तरफ हैदराबाद जहां चिन क्लिक खान। ये 3 लोग एक तरीके से निर्बाध रूप से स्वतंत्र शासक के रूप में शासन चलाने लगे। अतः अंग्रेजों ने जो 1680 आते आते कलकत्ता में जिन्होंने अपना एक तरीके से हेडक्वार्टर बनाया था, ये वो काल है जब उन्होंने इस तरह की योजना प्रारंभ कर दी थी कि बंगाल को कब्जा करना है। दूसरे शब्दों में प्लासी की कहानी या प्लासी की लड़ाई का बैकग्राउंड यहीं से शुरू होता है।